नमस्कार, मैं हूं अनुपम रूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है और इसी विरोध के तहत भोपाल के रंगमहल चौराहे से लेकर मिंटो हॉल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पीसी शर्मा के नेतृत्व में विशाल शांति यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन के अंत में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही है और साथ ही साथ इन कानूनों के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज निकाला गया मार्च इस कानून के संशोधन के लिए था और शांति का संदेश इस कानून के विरोध में हमने दिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारे विधायक और पीसीसी के पदाधिकारी उसके बाद महिलाओं के लिए निकलेगी। आप शांति रखें। और ये आज किस किस का त्योहार है, किस ऐसा त्योहार है कि देश के लगभग हर देश को मनाया जाता है। तो आज किस किस के त्योहार पर मैंने क्रिसमस की कोशिश करना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस के नेता इधर आ जाओ एकदम बीच में। हटो। आप सबको तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हम आप एकत्रित हुए, एकत्रित हुए किसी एकत्रित हुए एकत्रित हुए कि अपने देश की संविधान की रक्षा करने के लिए आज हम सब एकत्रित हैं। हमारे देश की पहचान, हमारे देश की पहचान हमारे संविधान से है। हमारे देश की पहचान हमारे देश की संस्कृति से है। हमारे देश की संस्कृति दो देश की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को सब धर्मों को जोड़ सकते हैं। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। आज जो आक्रमण हो रहा है, आज जो आक्रमण हो रहा है हमारे देश के संविधान पर, ये आक्रमण केवल संविधान पर नहीं है, ये आक्रमण हमारे देश के हर मार्ग पर है, हमारे देश के हर मार्ग से अधिकार पर है। हमारे मुल्क को हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान का लक्ष्य था कि हमारी देश की विभिन्नता, हमारी देश की अनेकता एक झंडे के नीचे खड़ रही थी। यही डॉक्टर अंबेडकर जी का लक्ष्य था। और आज जो ये आक्रमण हुआ है, आज जो गुंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, संसद में एक बात कहेंगे, बाहर निकल के दूसरी बात कहेंगे। आज हमें चिंता नहीं करनी कि कौन सा भाषण देते हैं, क्या बयान देते हैं। हमें तो इस बुनियादी बात को करना है, बुनियादी बात और सबसे सरल समझने वाली बात कि किस प्रकार का ये कानून लाए हैं, इससे हमारा अधिकार, हमारा भविष्य खतरे में है। और मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक ही आवाज से इसका विरोध करें, हम इसका विरोध करें, हम कहीं फ्रेस्ट इसका विरोध करेंगे। हमारा दायित्व है
के लिए हम एक ऐसा दोष उनको सौंपे जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान में इस दोष को बनाया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।